बेटा अभी तक जो बताया था ये वाला प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कहाँ से, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम नाइट्राइल हाइड्रोकार्बन। अभी पढ़ रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, पहले भी एसाइल क्लोराइड था, आर सी ओ सी एल था, इसमें क्या होगा, सी डी सी एच, दैट इज सी सी डी सी एच थ्री आर टू सी डी पुट कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा। तो इसे पुट करते ही क्लोरीन वाला रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। तो टू आर डैश सीओ सीएल है प्लस आर टू सी डी है कैडमियम, तो क्या बनेगा, टू आर डैश CO R प्लस सी डी सी एल टू। इजी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, सपोज वी आर टेकिंग सी एस थ्री सी ओ सी एल, इसमें हमने सी एस थ्री होल ट्वाइस सी डी डाई मिथाइल कैडमियम पुट किया, डाई मिथाइल कैडमियम, तो क्या बनेगा, सी एस थ्री तो पहले सी था तो इसका नाम क्या है, डाई इथाइल कैडमियम। डाई इथाइल कैडमियम तो उसके थ्रू ये बन जाता है। तो यहां पे हम लोग प्रोपानोन बना रहे हैं कहां से, सी एस थ्री सी ओ सी एल ग्रुप से, ये किसका है, कीटोन के लिए, इसे क्या बोलते हैं, प्रोपानोन। दूसरा नाम होता है एसीटोन, कॉमन है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा। तो क्या हुआ, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद कैडमियम प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद गिग्ना रिएजेंट, गिग्ना रिएजेंट आरएमजीएक्स इसके साथ गिव्स कीटोन, क्या देगा, कीटोन देगा। और डाइथाइल कैडमियम कैसे बनाएंगे, आर एम जी एक्स प्लस सी डी सी एल टू, तो आर टू सी डी बनेंगे, आर टू सी डी यहाँ पे यूज करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद डाइकैडमियम कैडमियम प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड बाय गिग्ना रिएजेंट गिव्स कीटोन, तो एसाइल क्लोराइड के साथ डाई अल्काइल कैडमियम का बात हो रहा है, ये कहाँ से बनते हैं, गिग्ना रिएजेंट के थ्रू। इसके बाद देखो नाइट्राइल से कैसे बनेगा, ट्रीटिंग ए नाइट्राइल विद ए गिग्ना रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यील्ड्स कीटोन, ये नाइट्राइल है, ये नाइट्राइल है, C6H5MgBr के साथ ट्रीटमेंट किया तो क्या होगा, ईथर के प्रेजेंस में तो CH3CH2C11NMBr और C6H6, ये हाइड्रोनियम आयन डाल दिया तो ये किसमें चेंज होंगे, प्रोपियोफेनॉल में चेंज हो जाएगा, प्रोपियोफेनॉल में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब नाइट्राइल में क्या करेंगे, पहले गिग्ना रिएजेंट यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथर, उसके बाद उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोनियम आयन पुट करें तो क्या होगा, फिर इसमें चेंज हो जाएगा, ये कौन है, कीटोन है। इज इट क्लियर, ये पता चल गया, अच्छा लिख के बता रहा हूं, लिख के बता देता हूं, एक बार लिख के बताता हूं आसान हो जाएगा। ये तुम्हारा नया ट्रायल हो गया, इसमें मान लो कि तुमने कुछ
किसके प्रेजेंस में? इथर, पता नहीं इथर और कहाँ लगते हैं, ड्राई इथर ऊर्ज रिएक्शन में लगता था। तो क्या होगा ये जो है ना, कैसे चेंज होगा देखो, ये वाला जो डबल बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, MgBr इसमें लग गया, और जो सिंगल बॉन्ड है उसमें आ गया। फिर इसके बाद हाइड्रोनियम आयन पुट कर दें, CH3 CH2 सी यहां पे होगा, सी ओ C6H5, ये वाला चीज आ जाएंगे, ये वाला एज इट इज हुआ C2H5। यहां पे ये वाला ग्रुप हट गया और यहां पे क्या आ गया, सीओ ग्रुप आ गया। इज इट क्लियर? निकिता क्लियर है? अच्छा कोई बात नहीं, और एक बार बता देते। देखो बेटा ये वाला नाइट्राइल है, ये तो जानते हैं, इसको नाइट्राइल कहते हैं, ठीक है ना बेटा। यहां पे गिंगना रिएजेंट डाल दिया, गिंगना रिएजेंट, तो क्या होगा इसमें, यहां पे बना था। इसको एक साथ जोड़ दिया C2H5, फिर यहां पे डबल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन का एक वैलेंसी हट जाएंगे, कौन जड़ जाएंगे, MgBr, ठीक है। कोई ना, यहां तक क्लियर? कोई ना, इसके बाद इस जगह पे ये वाले जी, इस जगह पे कोई आएगा वो क्या होगा, ये वाला पार्ट यहां पे आएगा, फिर क्या होगा, इसमें C6H5 C2H5 C2H5 C डबल बॉन्ड N, दोबारा लिख देता हूँ, NMGBr। तो यहाँ पे मतलब हाइड्रोनियम आयन दे दिए, तो C2H5 C, यहाँ पे CO ग्रुप आ जाएगा, C6H5। कोई ना, इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद और एक काम है कि जो है? हाँ भेजता हूँ बेटा, भेजता हूँ, पॉज कर देता हूँ। ओहो, अच्छा, इसके बाद हम लोग का होता है कि फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन से कैसे होगा, बेंजीन से हम लोग कीटोन कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होगा। तो पहले बेंजीन जो है,
यार मतलब एराइल जैसे बोला है, एराइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप आर फोर, एल्काइल जैसे CH3 टाइप, CH3 ग्रुप। COCl दे दिया तो क्या होगा, क्या इसमें पुट करेंगे, एनहाइड्रस HCl3। क्या बनेगा? सीओ रहेगा और इस जगह पे जो तुमने पुट किया था वही रहेंगे यार, नहीं तो। और फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बता देता हूं, देखो सपोज वी वांट, वी रिक्वायर्ड COCH3, वी रिक्वायर्ड एसिटोफेनोन। ओके, हम लोग को जरूरत है एसिटोफेनोन, तो क्या करेंगे, पहले बेंजीन लेंगे प्लस CH3 CO Cl लेंगे, एनहाइड्रस HCl3, तो क्या बन जाएगा, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर, बेंजीन टू एसिटोफेनॉन रिएक्शन बन जाएंगे, कोई ना, इज इट क्लियर निकिता? अच्छा रिकॉर्ड तो हो गया, मैं इसका फोटो सेंड कर देता हूँ और रिकॉर्ड एक बार देख लेना, रिकॉर्डिंग हो गया, अभी देखता हूँ क्या शायद उसका कुछ प्रॉब्लम आ रही हो।